YouTube चैनल दिस इज शालिनी और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ एक सेलिब्रिटी इंस्पायर मेकअप लुक। सो गाइज, आज इस लुक के लिए मैंने चूज किया है पुष्पा मूवी से समांथा का मेकअप लुक, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सेक्सी लग रहा है, तो मैंने सोचा ये लुक मैं जरूर आपको करके दिखाऊं। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही नो और सिंपल होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसका मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, अगर आप देखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप ये लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे फेशियल ऑयल यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंजल जियो का फेशियल ऑयल यूज किया है। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने इनो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैक की पैलेट यूज कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि मैं सिंपल वीडियो बनाने से बेटर है मैं एक हैक यूज करूँ और उसके बाद यू नो आपको मेकअप रिजल्ट दिखाऊं। तो पहले मैं अपने इनो डार्क सर्कल को पहले हाइड कर लेती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, होता ये है ना कि मैं यूजुअली अपने फिंगर टिप्स को ही यूज करती हूँ अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, इसको ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ब्लेंडर यूज करती हूँ तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है और डार्क सर्कल पूरी तरह से हाइड नहीं हो पाते। तो इफ इट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप प्लीज फिंगर टिप का ही यूज करो हाइड करने के लिए। ओके, सो गाइस, मैं ना इस पर अपने बेस को करने के लिए एक कंटूरिंग हैक यूज कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने एक स्टिक यूज किया था। मेरे पास स्टिक नहीं है तो मैं यहाँ पे एक क्रीम कंटूरिंग यूज करूंगी और एक ब्रश लूंगी, उस पर मैं अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से ले लूंगी। और उन्होंने जो किया था ना, इस लाइक ओके, सो इस तरीके का उन्होंने शेप दिया था। उसके बाद मैं रेने लंदन की एक लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, जिसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। अच्छा, कंटूरिंग में नोज पे करना भूल गई थी, तो मुझे नोज पे भी ओके, तो इसके बाद मैं मैक का ही पैलेट ले रही हूँ और ये शेड यूज कर रही हूँ एज अ कंसीलर। ओके, सो नाउ आई विल टेक फाउंडेशन। पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी, जहां पे स्पेस मैंने छोड़ा है वहां पे अप्लाई कर लूंगी। ओके, सो गाइस, मैंने अपने बेस को रेडी कर लिया है, अब इसे ब्लेंड करने का टाइम है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने ब्रश को डार्क कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। पहले मैं अपने लाइटर शेड को ब्लेंड कर ले रही हूँ। ओके, तो मैंने अपने लाइटर शेड को ब्लेंड कर लिया है, अब मैं अपने ब्लश और कंटूरिंग को ब्लेंड करने जा रही हूँ। तो कंटूरिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज करूंगी। Now I will start blending my brush. So guys, इसका फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छा आया है, बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज किए थे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो आप भी ट्राई करो, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करो, या फिर अगर आपके पास फाउंडेशन स्टिक या फिर कंटूरिंग स्टिक है तो आप उसका यूज करो, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ओके, उसके बाद मैं स्विस बीटी की सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ।
ओके सो गाइस, मैं तो ब्रश को थोड़ा सा और ज्यादा इन्हें एनहांस करने के लिए यहाँ पे स्विस बीउटी की पैलेट यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये आई कैन से शैम्पेन कलर का शेड है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एज अ हाइलाइटर। उसके बाद में स्विस बीउटी की ब्रो फिलर यूज कर रही हूँ। सो गाइस, आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे एनके मेकअप का पैलेट यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर की शेड यूज करूंगी। तो सिंपल आपको पहले अपने आईज पे इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का शेड लूंगी और फिर से अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूंगी। मुझे यहाँ पे एक स्मोकी लुक देना है। कभी कभी क्या होता है ना, जो शार्प एजेस होते हैं ना वो ब्लेंड नहीं हो पाते ब्रश से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक फिंगर टिप लो, जैसे मैंने लिया है, और अच्छे से इसे आउटस्ट्रोक में ब्लेंड करो, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ओके, सो इससे मैंने अपने आई मेकअप को कम्प्लीट कर लिया है, एक सिंपल सा स्मोकी लुक दिया है। सिंपल क्या करना है, आपको ब्राउन कलर शेड अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लेना है। फिर आपको एक जेल लाइनर लेना है, आपको एज ए लाइनर से अप्लाई करना है। आप रफली भी इसे अप्लाई कर सकते हो, फिंगर टिप का हेल्प लेना है, अच्छे से उसे स्मच कर लेना है। अगर आपको लग रहा है अच्छे से स्मच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप ब्लैक आई शेडो का भी हेल्प ले सकते हो। उसे हल्का सा ब्रश में ब्लेंड करो और उसे अच्छे से स्मच कर लो, तो आपको कुछ इस तरीके का लुक दिखने वाला है। उसके बाद मैं शुगर की काजल यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा थिक काजल आपको अप्लाई करना है, अपर वॉटर लाइन पे भी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं ब्लैक आई शेडो लूंगी और उसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी, स्मच कर लूंगी अच्छे से, क्योंकि अगर आप उनकी आंखें देखोगे तो वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही बोल्ड है। तो मैं भी यहाँ ट्राई करूँ कि मैं बोल्ड आईज ही बनाऊँ। ओके, सो आई मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं फिर मास्कारा से इसे कंप्लीट लुक दूंगी। ओके सो गाइज, यहाँ पे लिपस्टिक लिए मैं दो शेड यूज कर रही हूँ, हुडा ब्यूटी का विनस और मूस। और उसके बाद ये विनस का शेड यूज कर रही हूँ, काफी न्यूड और शेड उन्होंने अप्लाई किया है। तो गाइज, मेरी लिप्स थोड़ी सी पाउडर दिखे इसके लिए मैं थोड़ी सी शिमर अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी। सो गाइस, अपने आईडल एरिया को आप जरूर हाईलाइट करो। सो गाइस, मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, बट मैं समांता लुक लेकर आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल समांता लुक फ्रॉम मूवी पुष्पा। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, इस लुक के साथ मैंने जस्टिस की होगी। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ न्यू वीडियो कुछ न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।